हम लोग आज 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है और इसी के साथ साथ हम लोगों का जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये वाला जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 12.2 एक्सरसाइज में बेसिकली आपने सीखा क्या है? तो आप कहोगे मैडम 12.2 एक्सरसाइज में हमने चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा है, राइट? हमने उनको यूजुअल फॉर्म में लिखना सीखा है और साथ ही साथ में बहुत सारे जीके फैक्ट्स भी हमको पता चले, जो कि याद रखना या नहीं रखना वो हमारी पर्सनल चॉइस है। बट ये जो 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या इसमें भी चीज़ों को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर हम लोगों को यूजुअल फॉर्म में लिखने को बोला गया है क्या? तो देखने से तो यार ऐसा नहीं लग रहा कि 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म या कुछ यूजुअल फॉर्म में चीज़ें लिखने को बोली जा रही है। यहाँ तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसा कुछ दिख रहा है। तो सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं कि आखिर सवाल आपसे बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर देखते हैं इस सवाल को आगे किस तरीके से अप्रोच करना है। डन, ओके। बोल रहा है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, मतलब एक बंडल है, एक गट्ठरा है जिसमें टोटल कितनी किताबें हैं? 5। किताब नंबर 1, ये हो गई किताब नंबर लेट से 2, ठीक है, ये हो गई लेट से किताब नंबर 3, लेट से ये हो गई किताब नंबर 4 और लेट से ये हो गई किताब नंबर 5। तो ये क्या है? 5 बुक्स का बंडल है, ठीक है। स्टैग्स मतलब एक के ऊपर एक किताबों को क्या करके रखा गया है? अरेंज करके रखा गया है। तो ये 5 बुक्स का क्या है? स्टैग है। अब बोल रहा है कि जो एक किताब है, उनमें से जो एक किताब है, उस एक किताब की जो थिकनेस है, ठीक है, उसमें से जो एक किताब है उस एक किताब की थिकनेस है 20 mm बराबर। मतलब एक बुक जो है वो कितनी थिकनेस की है? आपके 20 mm की है। तो अगर एक बुक, ठीक है, फॉर वन बुक, ऐसी प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, फॉर वन बुक, अगर मैं वन बुक की बात करूँ तो एक बुक के लिए जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है आपकी? 20 mm। और ऐसी आपके पास कितनी किताबें हैं? ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ऐसी कितनी किताबें हैं? ऐसी हमारे पास 5 किताबें हैं। तो अगर यही सेम डेटा मुझे 5 बुक्स के लिए बोला जाए तो 5 बुक्स के केस में जो मेरी थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी? ये एक ऐसा ही सवाल हुआ कि मैडम एक कैडबरी 20 रुपये की आती है तो 5 कैडबरी कितने की आएंगी? तो आप मुझे बोलोगे मैडम एक किताब की थिकनेस अगर 20 है तो 5 की थिकनेस होगी 20 × 5, यानी कि कितना आप लोगों का? 100 mm, ठीक है, 100 mm। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ यार? मतलब ठीक है, देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ, फ़िलहाल तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, यानी कि जो किताबें हैं, ठीक है, उन किताबों में से 5 किताबें हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, 5 किताबों के अलावा वहाँ पे ऐसे 5 पेपर्स भी रखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या रखे हुए हैं? ऐसे 5 पेपर्स भी रखे हुए हैं। तो अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक पेपर के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर आपके पास एक पेपर होता तो उस एक पेपर की जो थिकनेस होती वो थिकनेस कितनी होती? 0.016 mm। अब ऐसे में आपने जो स्टैग जमा किया है उस स्टैग में आपके पास टोटल कितने पेपर्स हैं? वहाँ पे टोटल आपके पास कितने पेपर्स हैं? आपके पास टोटल 5 पेपर्स हैं। तो 5 पेपर्स की जो थिकनेस है बताओ वो कितनी होगी? तो तुम वही कि मैडम अगर एक पेपर की थिकनेस 0.016 है तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगी तो आपको 5 पेपर की थिकनेस मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया, डेसिमल वगैरह में पॉइंट्स वगैरह लगाए तो आंसर आया 0.08 mm। इससे पता चला कि वो जो पेपर्स हैं
उन पेपर्स की थिकनेस कितनी है 0.08 mm. अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है. तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैग, यानी कि ये जो कंप्लीट स्टैग बना है बराबर, इस कंप्लीट स्टैग की थिकनेस कितनी है. तो मुझे एक बात बताओ, वो जो स्टैग आप लोगों का बना, उस स्टैग में क्या क्या है, ठीक है बराबर. वो जो स्टैग, वो गठरी, वो बंडल जो आप लोगों का बना, उस स्टैग में क्या क्या है. तो आपने मुझे बोला कि मैडम उस स्टैग में तो 5 नोटबुक्स हैं. ओके, तो मैंने कहा कि ठीक है, इसका मतलब थिकनेस ड्यू टू 5 नोटबुक्स, उन 5 नोटबुक्स की वजह से भी तो थिकनेस आ रही होगी. तुमने बोला हाँ मैडम बिल्कुल आ रही होगी. फिर तुमने मुझे बताया कि 5 नोटबुक्स के अलावा वहाँ पे 5 पेपर्स भी रखे हुए हैं. तो वो जो पेपर्स वहाँ पे रखे हैं, उन पेपर्स की वजह से भी तो एक बात बताओ थिकनेस आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी. तुमने कहा हाँ यार उन पेपर्स की वजह से भी थिकनेस आ रही होगी. तो अगर आपको टोटल थिकनेस निकालनी है तो उन 5 किताबों की वजह से जो थिकनेस आई प्लस वो जो 5 पेपर्स रखे उनकी वजह से जो थिकनेस आई, दोनों को ऐड करेंगे. तो 5 नोटबुक की वजह से कितनी थिकनेस आई थी 100 mm. ओके, और 5 पेपर्स की वजह से कितनी आई थी 0.08 mm. अब प्रॉपरली अगर आप इसको ऐड करें तो ये वाली चीज़ ऐड होने के बाद आएगी 100.08 mm. कायदे से तो देखो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो चुका है. आपको उसने टोटल थिकनेस पूछा, आपने टोटल थिकनेस बता दिया, बट क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम अपना जो भी आंसर लिखें हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. आप जो भी आंसर लिखें आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. क्या मैंने कल तुम लोगों को चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाना सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है. तो आपको भी आपका जो ये आंसर आया है 100.08 mm, ये नहीं चाहिए. हम चाहते हैं कि हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि 100.08, जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. इस गिवन इन्फॉर्मेशन के पास डेसिमल है या डेसिमल नहीं है? कल मैंने बताया था नियम चेंज हो जाते हैं, तो आपने बोला हाँ मैडम डेसिमल तो है. तो यानी कि ये एक ऐसा गिवन है जो डेसिमल वाला है, मतलब जिसमें पॉइंट है. अब अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कल मैंने रूल्स आपको लिखवा के ऑलरेडी दिए हैं कि डेसिमल को लेफ्ट साइड भी शिफ्ट किया जा सकता है, राइट साइड भी शिफ्ट किया जा सकता है, डिपेंड की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. तो अगर आप उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर निगेटिव हो जाती है, अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है. ये बात याद है? तो अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन है 100.08, मेरा जो डेसिमल है वो है यहाँ पर, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए? स्टार्टिंग से एक नंबर के बाद, यानी कि मुझको चाहिए यहाँ. तो बेसिकली मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है. तो जब मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे कितने का गैप दिख रहा है? मुझे गैप दिख रहा है 2 का. मुझे गैप दिख रहा है कितने का? 2 का. तो ऐसे में क्या होगा, हम हमारे आंसर को लिख देंगे 1.0008, और क्योंकि हमने शिफ्टिंग की है लेफ्ट हैंड साइड तो पावर कैसी रहेगी? पॉजिटिव, और यूनिट रहेगी वही mm. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. और आपको अपने फाइनल आंसर के इसमें लास्ट लाइन भी लिखना पड़ेगा कि देयरफोर द टोटल थिकनेस, ठीक है, देयरफोर द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैग, ठीक है, जो आप लोगों के पास टैग है उस टैग की टोटल थिकनेस आपके पास कितनी है, ये पढ़ लीजिए 1.0008 × 10^2 mm, ये आपके पास टोटल थिकनेस है, ठीक है. तो बस ये हो गया हमारा सवाल. तो ज़रूरी नहीं है अगले किसी सवाल में आपको कॉपी लिखा रहे.
पेजेस लिखा रहे, कल को कार्टून्स लिखा रख सकता है, कार्टून्स का मतलब डब्बे, किसी भी चीज़ का बेसिकली स्टैक बनाया जा सकता है ना। तो उस पर आपको नहीं घबराना है कि अरे मैडम ये जो स्टैग है यहाँ पे कॉपी का नहीं है, पेजेस का नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, सिंपल सा सवाल था, हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है, बट ध्यान रखना अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड कोई सवाल कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तो अब अपनी आदत डाल लो कि फाइनल आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारी 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है, एज वेल एज ये एक्सरसाइज भी हम लोगों की यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी के लिए यहाँ पर रोकते हैं।